इंदौर में टोस्ट बनाने के कारखाने में हुई मशीन चोरी के मामले में पुलिस ने चंद ही घंटों में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी से चोरी की गई टोस्ट बनाने की मशीन बरामद की गई है। दरअसल मामला चंद्रनगर थाना क्षेत्र के सिरपुर धार रोड पर मौजूद टोस्ट बनाने की कारखाने का है, जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर तोड़ मौजूद कारखाने में टोस्ट मशीन चोरी कर ली थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर तीन आरोपी इमरान, इरफान, शकील को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने घटना करना कबूल किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी की गई टोस मशीन भी बरामद की है। बता दें कि आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, नशे के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सर, चोरी के कुछ आरोपी पकड़े गए, क्या है? देखिए, रईस पिता रहीम, इनके जो दुकान थी उसके अंदर से टोस बनाने की मशीन जो थी वो चोरी हो गई थी, तो उसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इन्होंने। फिर पतारशी की गई तो तीन आरोपी उसमें की जानकारी लगी कि तीन आरोपी हैं जिन्होंने ये चोरी करी है, तो मुखबिर की सूचना पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। ये मशीन बरामद हो गई है? मशीन बरामद हो गई है, लगभग 75,000 रुपये की मशीन है। आरोपी कौन है? आरोपी तीन हैं, इमरान, इरफान और शाकिर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व रिकॉर्ड भी? हाँ, रिकॉर्ड अभी देखा गया है, इनका निकलवा रहे हैं इनका रिकॉर्ड। वहीं के कर्मचारी थे? कर्मचारी वहाँ के नहीं थे, ये आसपास के थे जो लड़के थे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर विशाल यादव, थाना चंद्रनगर। फिलहाल पुलिस इनसे अन्य और भी वारदातों के मामलों में पूछताछ कर रही है, जिससे और कई खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।